प्रियो, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वह है प्रार्थना के द्वारा चंगाई और आशीष। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें चंगाई और आशीष देगा। अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसका 10वां वचन, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। जिस प्रकार हमने वचन में सुना कि अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब एक खरा धर्मी और परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा बुराई से दूर रहता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। उनके पास धन संपत्ति था, उनके बच्चे थे और वचन कहता है पूर्व देशों में वह धनी और सबसे बड़ा था, क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता था। धर्मी होने के बावजूद अय्यूब के जीवन में तकलीफ आए, दुख आए, संकट आए, फिर भी परमेश्वर के साथ बना रहा। अय्यूब के जीवन में दो प्रकार के परीक्षा आई। पहले परीक्षा में शैतान ने अय्यूब के बच्चों को और संपत्ति को नाश किया और दूसरे परीक्षा में शैतान ने उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़ों के द्वारा उसे पीड़ित किया, फिर भी परमेश्वर को उसने कभी दोष नहीं लगाया। परंतु वचन कहता है अय्यूब के तीनों मित्रों ने अय्यूब की धार्मिकता पर संदेह की और परमेश्वर के बारे में ठीक ठीक उन्होंने बात नहीं की। इस बात पर परमेश्वर उन पर क्रोध आता है और परमेश्वर चाहता है कि अय्यूब जब तक उन तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अय्यूब दुख में था, पीड़ा में था, संकट में था, उस समय तीनों मित्रों ने उसे सहायता नहीं की, परंतु उसे जांच करते रहा, उसे क्रिटिसाइज करता रहा और परमेश्वर के विषय में उन्होंने ठीक से बात नहीं की। उन्होंने डाउट किया, उन्होंने अय्यूब को दुख दिया, फिर भी अय्यूब उन तीनों दोस्तों के लिए, तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना करता है। और जब अय्यूब ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उन तीनों मित्रों के पाप को क्षमा किया और अय्यूब के दुख को दूर किया। और वचन जिस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें दो गुना आशीष दी, पहले से दो गुना आशीष दी। इस प्रकार की घटना आपके साथ भी घटे होंगे, आपके घर वाले लोग, आपके पड़ोसी लोग, आपके दोस्तों लोग, हो सकता है आपके कुटुंब के लोग आपके दुख में, आपके संकट में, आपके विपत्ति में उन्होंने साथ नहीं दिए होंगे। परंतु परमेश्वर आपसे चाहता है, मुझसे चाहता है कि जिन्होंने हमको साथ नहीं दिया जब हमारा आवश्यकता थी, जिन्होंने हमें सहायता मदद नहीं की जब हमारा आवश्यकता थी, परंतु उनके लिए भी हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि जो हमारा एगेंस्ट है, जो हमारा दुश्मन है, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा दुख को दूर करेगा, हमारा बीमारियों को ठीक करेगा, हमारा रोगों को दूर करेगा, हमारा कर्जा को दूर करेगा, हमारा जो अशांति है वो को दूर करेगा और परमेश्वर अभी से और पहले से दो गुना आशीष देगा। प्रिय, आज जो वचन परमेश्वर मुझे आपको देना चाहता है कि हम सबके लिए प्रार्थना करें, अपने मित्रों गणों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिवारों के लिए, भले वह हमें चाहे या ना चाहे, परंतु हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तब ही हमें हमारा रुके हुए आशीष हमारे जीवन में आएगा। वचन में लिखा है कि अय्यूब ने जब प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया और उसे पहले से दो गुना आशीष दी। मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ, आप उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो आपको साथ नहीं देते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करो जो आपको लाइक नहीं करते हैं। आप प्रार्थना करके देखो, प्रभु आपके दुख को, संकट को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपको आशीष से भर देगा। आप होंगे आज, हो सकता है आज आप दुखी होंगे, परंतु आपके दुख को सुख में परमेश्वर बदल देगा। आइए आज हम संकल्प ले कि आज से हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमें दुख देता है। आमीन।
आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।